सो है यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10 और नहा धो के रेडी हो चुके हैं। तो आज जा रहे हैं हम फाइनली गांव, अल्मोड़ा से गांव। तो आपने देखा हम 2 दिन यहां पे रुके, हमने राखी सेलिब्रेट करी तो काफ़ी अच्छा लगा। आज चलते हैं फाइनली गांव दादा और दादी के पास। तो जाने से पहले हो रहा है शगुन, अब मिलेंगे हमें पैसे। मैं बारिश कर दूं पैसे की। मेरे छोड़ो, मिलेंगे जल्दी मामा जी। बिल्कुल जल्दी मिलते हैं। और जिया जी भी जा रहे हैं हल्द्वानी की तरफ वापस। तो चलो मिलेंगे फिर बाद में। जल्दी मिलते हैं और हल्द्वानी में मिलते हैं फिर। हाँ, राधे 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 सबको। चलो भाई चलते हैं, अब लेते हैं विदा। बाय वानू, बाय नन्नू। लबू जी आ रही है ऊपर तक हमें छोड़ने के लिए, और विनय भी आ रहे ऊपर तक। ये देखो विनय, पावरफुल मैन, दो दो बैग। भाई पैसे तो मिलने ही है। मिलते हैं जल्दी लब्बू जी, विनय, बाय बाय। तो निकल पड़े हैं गांव की ओर। तो यहाँ से हमें लगेंगे अराउंड 2 घंटे। तो अभी हम रुके हैं रास्ते में एक जूस की शॉप पे। यहाँ मिलता है हमारे पहाड़ का फेमस बुरास का जूस। तो चलो पीते हैं, लेते हैं यहाँ से। देखो ये रही सामने शॉप। तो ये रहे हमारे जूस बुरास के, और साथ ही हमने लिया है ये 2 बड़ी बोतल घर के लिए और 3 अभी के लिए पीने के लिए। चलो तो पहुंच चुके हैं, वो है ऊपर हमारा घर वहां पे। ओ भाई गांव आ गए फाइनली, निकालते हैं सामान। तो आ चुके हैं हमारे दादाजी, बाबू बाबू प्रणाम प्रणाम जीते रहो। प्रणाम ठीक हो भाई? क्या फीलिंग आ रही है यहाँ पे आके। ओ अम्मा ठीक हो गाइस? पहुंच चुके हैं, हमारा घर ये रहा सामने देखो। तो अभी हो चुका है लंच टाइम, तो हम आ गए हैं हमारे गोट में। तो ये है हमारे गांव का किचन, ये देखो कुछ इस तरह का। तो अम्मा ने बनाया है मस्त दाल चावल। तो खाना हो चुका है गाइस, गांव के खाने का ना मजा ही अलग है भाई, अलग ही टेस्ट आता है। तो हाँ खाना हो चुका है, ये देखो यहाँ धोते हैं बर्तन बाहर। तो अब हाथ धोने के लिए हम जा रहे हैं धारा पे, आपको दिखाते हैं। ये देखो नंगे पाँव जा रहे हैं और पहुंच चुके हैं। ये है यहाँ का प्राकृतिक अनलिमिटेड वाटर जो कि चलता रहता है हर टाइम, और ये पानी बहुत ही ठंडा और टेस्टी होता है भाई। बिल्कुल बर्फ का पानी हो रहा है, बिल्कुल ठंडा। और मम्मी जी भी आ चुकी है धारा में मुंह धोने के लिए। और हाँ गाइस, आप लोग सोचते होंगे कि अम्मा और बाबू यहाँ पे क्यों रहते हैं गाँव में, हमारे साथ हल्द्वानी क्यों नहीं रहते? तो पहली बात तो उनको रहना ही यहीं पसंद है, गाँव वाले घर में। वो वहाँ पे भी आते हैं रहते हैं, बट हाँ उन्हें पसंद यहीं पे है, दिल से उन्हें यहीं पे अच्छा लगता है। और दूसरी बात, वहाँ पे होती है बहुत गर्मी हल्द्वानी में, बट यहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे मौसम हमेशा ठंडा रहता है। तो हाँ अम्मा और बाबू मोस्टली यहीं पे रहते हैं, गर्मी में तो यहीं पे रहते हैं और सर्दियों में आते हैं फिर हल्द्वानी रहने के लिए, बिकॉज यहाँ बहुत ठंड होती है। तो अब अराउंड 15 या 20 दिन बाद अम्मा और बाबू यानी दादा और दादी रहने के लिए आ जाएंगे हल्द्वानी, और फिर पूरी सर्दियाँ वहीं पे रहेंगे। और फिर अराउंड 1.5 या 2 साल बाद जब हमारा नया घर बन जाएगा तब वो परमानेंटली वहीं पे रहेंगे। लेकिन जो भी है यार, मुझे भी यहाँ अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा, यहाँ का एनवायरनमेंट क्लाइमेट भाई बहुत बेस्ट है। अम्मा हल्द्वानी कब आओगे? हल्द्वानी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। चलो पक्का ना? नहीं यार पक्का नहीं। क्यों? फिर कब आओगे फिर? एक महीने बाद। वहाँ अभी गर्मी हो रही है। हाँ गर्मी तो हो रही है गाइस, हम तो कहते रहते हैं चलो चलो हल्द्वानी, लेकिन अम्मा आती ही नहीं है, अम्मा यहीं पे रहती है, अम्मा को अच्छा यहीं पे लगता है। और गाइस यहाँ पे थी हमारी पहले गाय जो कि अब नहीं है, हमने दे दी है, अब रहन दो, अब नहीं करना, नहीं बस तो अब गाय नहीं पालनी, पालनी नहीं है मैंने, 2 साल हो गए। आपने बहुत पाल ली, पूरी उम्र पाल ली आपने, गाय पाली, बैल पाला, सही बात है, बच्चिया सब पाले। तो अब दिखाते हैं आपको हमारा घर, वैसे मैंने आपको बहुत बार दिखा रखा है, बट हाँ कोई बात नहीं, दोबारा देख लो एक बार। और तो ये है घर की एंट्री, ये हम गए अंदर, और यहाँ पे ये है बैठक, और यहाँ पे है छत देखो कुछ इस तरह की, ऊपर टीन है, और ये यहाँ की अलमारी देखो छोटी सी। तो एक रूम है देखो ये वाला, ये रहा, और एक रूम है ये वाला, यहाँ पे है 2 बेड जहाँ पे हम सोएंगे, और यहाँ पे ये विंडो, और यहाँ सामने ये पेंटिंग ड्राइंग्स देखो बहुत सारी, बहुत पुरानी पुरानी, ये बनाई है मेरी बुआ ने सब, ये पूरा कपड़े पे सिल के बनाई है देखो। और यहाँ पे हमारे परदादा परदादी, और इसी तरह एक रूम ये वाला है मंदिर वाला, लाइट जलाते हैं यहाँ की। तो ये देखो यहाँ पे मंदिर है, और यहाँ भी एक बेड है, ये रहा। तो बस यही था हमारा घर, छोटा सा घर आपको दिखा दिया मैंने, हमारे पहाड़ का घर। तो अब उड़ाते हैं ड्रोन और आपको दिखाते हैं हमारे गांव के ड्रोन के शॉट्स। तो चलो
तो अभी टाइम हो चुका है शाम के 5 और अभी फिलहाल आ गए हैं नीचे खेतों में। भाई क्या प्यारे लग रहे हैं खेत, देखो हरे भरे चारों तरफ। आज बहुत टाइम बाद गांव आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यार यहाँ पे आके। अभी चलते हैं वहाँ पे नीचे नदी की तरफ। अरे रास्ता कहाँ से है मैं भूल गया, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी घास उगी हुई है तो हाँ रास्ता समझ नहीं आ रहा कहाँ से है। यहाँ थोड़ा रिस्की है जाना भाई, आराम से चलना पड़ेगा देख के। हाँ ये रहा रास्ता देखो। तो फाइनली पहुंच चुके हैं नीचे नदी के पास। तो ये रही हमारी प्यारी नदी। तो अब गाइस दिखाते हैं आपको हमारे गांव का स्कूल। तो हम बहुत बार यहां पे आए हैं, मैंने वीडियोस बनाई है बट हाँ आज तक मैंने आपको यहां का स्कूल नहीं दिखाया। तो चलो आज दिखाते हैं आपको यहां का स्कूल। तो यहां से काफी ऊपर है पहाड़ के ऊपर। वैसे गाइस रास्ता है वहां से रोड से बट हाँ वो काफी लंबा पड़ेगा, यहाँ से शॉर्टकट नदी के रास्ते शॉर्टकट है। तो चलो हम चलते हैं नदी से यहाँ से शॉर्टकट मार के। गाइस ये देखो क्या हो गया हमारी पैंट पे लग चुके हैं ये कांटे, इनको बोलते हैं यहाँ पे कुमर। तो ये बहुत मुश्किल से निकलेंगे यार। अरे यार कहाँ से लग गए। चलो कोई बात नहीं अभी फिलहाल चलते हैं, हम इनको निकालेंगे बाद में। गाइस हमें जाना पड़ेगा बिल्कुल कोने कोने से, ये देखो इस तरह से 1 2 3। ओह भाई पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार मैं निंजा हथौड़ी आ गया हूँ। गाइस ये देखो केकड़ा आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये है केकड़ा भाई। तो नदी के रास्ते आते आते हम पहुँच चुके हैं ये पुल तक, अब जाना है हमें यहाँ से ऊपर। भाई साहब फुल एडवेंचर। गाइस रास्ता देखो स्कूल का कितना डरावना है, लेकिन यहाँ से काफी ऊपर है यार अभी। कोई बात नहीं चलते रहो बस। सब पहुंच चुके हैं फाइनली स्कूल। ये देखो ये रहा मेरे पीछे, ये है देखो यहाँ का स्कूल हमारे गांव का। गांधी जी का था ये कहना, अनपढ़ बनकर कभी ना रहना। तो ये स्कूल है आई थिंक 5th क्लास तक बस, उससे ऊपर नहीं होगा। देखो यहाँ से लेके वहां तक बस ये इतना स्कूल है। तो इससे बड़े स्कूल 6th 7th 8th 10th 12th वो स्कूल है यहाँ से काफी दूर, गांव से काफी दूर। तो यहाँ के बाद फिर बच्चों को जाना पड़ता है दूर स्कूल में, बिकॉज गांव में नहीं है स्कूल, गांव में है सिर्फ ये 5th क्लास तक। तो चलो अब चलते हैं घर पे वापस, अंधेरा भी होने वाला है और हम बहुत दूर आ चुके हैं घर से तो जाना पड़ेगा अब। चलो फिर। तो सी हम वहां से यहां आ चुके हैं, वहां पे है हमारा घर, वो रहा ऊपर आपको दिख रहा होगा। और हम वहां से देखो यहां आ चुके हैं इतनी दूर। तो पहुंच चुके हैं घर पे और देखो अंधेरा होने ही वाला है। तो अभी गाइस मुझे मिली है एक बहुत ही प्यारी चीज, बहुत ही स्पेशल चीज, आपको दिखाते हैं। तो चलो खोलते हैं। अरे ये देखो मम्मी जी आप हो ये, और ये पापा जी लग नहीं रहे यार। अरे वाह ये देखो, ये निकालो बाहर निकालो भाई, पापा जी कितने अलग लग रहे हैं देखो तो ओ मम्मी जी भी। गाइस ये बताओ कौन है, ये है हमारे चाचा जी। क्या लग रहे चाचा जी भाई स्वैग में पूरे। ये सारी फोटो मैंने खींची कैमरे से। आपने खींची है? हाँ। सच्ची में वाला नहीं आता था ये, पहले से रील वाला कैमरा आता था। हाँ। छोटे वाले कैमरे। गाइस ये है हमारे नाना और नानी जी, और गाइस ये है हमारे मामा जी जहाँ हम थे आज अल्मोड़ा। अरे कितने अलग लग रहे हैं देखो, ये मामा जी, ये मामी जी, और ये बैठी पीछे मम्मी, और ये नानी। भाई कितनी पुरानी फोटो है यार। ये देखो पापा जी चाचा जी दोनों साथ में, जब शादी तय हुई थी ना हमारी। हाँ। तो पापा जी की ये वाली फोटो आई थी। अच्छा ये वाली आई थी। ये वाली फोटो देख के मम्मी जी ने पापा को पसंद किया था। ये वाली फोटो देख के आज मैं पैदा हो गया। गाइस यहाँ पे आ गई हमारी फोटो। तो ये है पीयूष, ये है हमारी बुआ की लड़की निशोर शेंकी मेरी बहन, और ये है भैया, ये देखो सौरभ भैया ये, और ये हूँ मैं देखो सोया हुआ, और ये भी मैं हूँ ये देखो। ये तेरे 11 दिन की फोटो है। अच्छा ये 11 दिन की फोटो है। गाइस मैं इस दिन सिर्फ 11 दिन का था। सो अभी टाइम हो चुका है रात के 10 और डिनर भी हो चुका है। तो अब फिलहाल करते हैं आज की वीडियो को यहीं पे एंड, बाकी बहुत थक चुके हैं तो अब मस्त सोएंगे। तो चलो वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय गाइस बाय।